चल मनवा, चंचल मनवा भागा जाए, दौड़ा जाए रुक ना पाए, चंचल मनवा। अरे शंकरवा, दुकान देखे ही हम आवत हैं। साहब जी, ओ साहब जी, वहां से कूदने का कोई फायदा नहीं है। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। लीजिए साहब जी, लीजिए। बात दरअसल ऐसी है, यहाँ से ऊंचाई थोड़ी कम है, ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ पैर ही टूटेंगे, मरेंगे नहीं। मरने का अगर आपको इतना ही शौक है ना, तो वो ऊंची पहाड़ी पे चल जाइए, वहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। परेशान दिखते हैं। खैर, यहाँ अक्सर ऐसे ही लोग आते हैं साहब जी, हैरान परेशान। उन्हें लगता है कि अगर शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से बचकर अगर जंगलों में आ जाए तो उन्हें शांति मिल जाएगी, क्या पता महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त कर ले। मगर ऐसा होता नहीं है, कोई ज्ञान व्यान प्राप्त नहीं होता है, सब कहने सुनने की बातें हैं। लोग आते हैं, खुद को तसल्ली देते हैं और फिर वापस अपनी उसी भागदौड़ वाली जिंदगी में लौट कर चले जाते हैं। मैं तो देखता रहता हूँ ये सब, वो उधर मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, सब देखता रहता हूँ वहीं से। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हें तो देख के लगता है कि सारा ज्ञान पहले ही प्राप्त हो चुका है। नहीं साहब जी, मेरे को कहा, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, चाय बेचता हूँ। यहाँ जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं उन्हें चाय पिलाता हूँ। भाई, ज्ञान मिले ना मिले, चाय तो अच्छी मिले। तो क्या आप ऐसे किसी से भी बात करने लग जाते हो? नहीं साहब जी, सबसे तो नहीं, सबसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इतने सालों से यहाँ पर हूँ, अब तो अंदाज़ा हो गया कि कौन कितना परेशान रहता है।
कुछ लोग तो फर्जी परेशान भी आते हैं यहाँ पर, उनसे तो बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मेरे अंदर कोई खास बात दिख रही है? खास बात का तो पता नहीं साहब जी, मगर आपको देख के लगा जैसे आपसे बात करनी चाहिए। क्या पता आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है पर सुनने वाला कोई नहीं है। अरे तो जाकर कोई काउंसलिंग की एजेंसी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो यार, या तो जाकर कहीं प्रवचन दो। ये सब क्या है ये, हाँ क्या बेच रहे हो? अरे आप तो गुस्सा कर गए साहब जी। अरे बाबा विश्वनाथ की जगह पे आए हैं, गुस्सा थूक दीजिए और मुस्कुरा दीजिए, देखिएगा एकदम से मूड ठीक हो जाएगा। अब क्या फ़ायदा मूड ठीक करने का, अब तो जीवन भर मूड ऐसे ही रहने वाला है। देखिए बाप, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। देखिए मूड ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। आप प्लीज़ आप अपनी दुकान पर चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए यहाँ पे, मैं ठीक हूँ। बात हमेशा फ़ायदे या नुकसान की नहीं होती है साहब जी, और ना ही ज़िंदगी भर कोई चीज़ हमेशा के लिए रहती है, हर चीज़ आती जाती रहती है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी मन की बात मुझे बताई दीजिए, देखिएगा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और वैसे भी आपको मुझे अपने बारे में बताने में कोई हर्ज तो है नहीं, हैं ना? तो आप मुझे जानते हैं और ना ही मैं आपको। अगर आपके बारे में कोई राज की बात पता चल भी जाए तो क्या ही उखाड़ लूंगा मैं। अच्छा ठीक ही कह रहे हो। पता है जब मैं छोटा था ना, तो मेरे मोहल्ले में एक भैया ने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया था, बहुत धूमधाम मची थी, बहुत दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे। घर के बाहर ना एक लंबी सी लाइन लगी रहती थी, आए दिन अखबार में मैगजीन्स में उनके इंटरव्यूज छपते थे, उनकी फोटोज छपती थी। पता है ये सब देखकर ना मैं बड़ा फैसिनेट सा होता था और हमेशा यही सोचता था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगा, ताकि मुझसे भी लोग मिलने के लिए आए, बहुत ही इज्जत की निगाह से देखे मुझे। तो उसी दिन मैंने भी एक फैसला लिया कि मैं भी एक आईएएस अधिकारी बनूंगा। और आपके घर वालों ने क्या कहा? कुछ नहीं, घर वालों ने कुछ नहीं कहा, वो तो यही कहते थे कि तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या, फिर तो बस पढ़ाई में जुट गए, अच्छी कोचिंग ज्वाइन की और दिन दिन भर बस बैठकर पढ़ाई की। दिन में 16-16 घंटे अपने आप को कमरे में बंद करके रखा। आज मेरे आईएएस के अटेम्प्ट का फाइनल अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, नहीं हुआ। अरे इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है साहब जी। देखिए आपने अपने जीवन में एक फैसला लिया, मेहनत की, ईमानदारी से पढ़ाई किया, आज अगर आप सफल हो जाते हैं तो वो सफलता आपकी होती, अगर असफल हुए हैं तो वो भी आपकी ही है। अरे आपसे किसी ने जबरदस्ती थोड़े ना की थी। पर बुरा तो लगता है ना, हाँ अब मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नया करियर चुनना पड़ेगा। इतने साल की पढ़ाई लिखाई मेहनत सब बर्बाद। एक बात बोले साहब जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे तो लगता है कि आप कभी आईएएस करना ही नहीं चाहते थे। हाँ ये चमक धमक और चकाचौंध वाली जिंदगी में फंस के जरूर रह गए थे, अगर दिल से करना चाहते ना साहब जी तो जरूर हो जाता। हाँ शायद ये बात तो मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ, लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? अब ये लोग, ये दुनिया वाले जो है ना, अब जीने नहीं देंगे। पता है कैसा वक्त था जब हर कोई मेरे आगे पीछे घुमा करता था और कहा करता था कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं कभी किसी की बात नहीं सुनता था। मैं तो सबसे यही कहता था कि ये सब तुम लोग करो,
मैं तो सीधा आईएएस बनूंगा और लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगा। ऐसी ऐसी किताबें, ऐसी ऐसी मैगजीन्स मंगा कर पढ़ता था ना, जिसको देखना तो छोड़ो, लोगों ने नाम तक नहीं सुना होता था। और ये घर परिवार के फंक्शंस, पार्टियां, शादियां, ये सब कभी अटेंड ही नहीं की मैंने। मैं सोचता था कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, मैं तो सीधा मसूरी जाकर ट्रेनिंग करूँगा। मगर अब मुझे ना वही सब करना पड़ेगा जिसे मैं छोटा समझता था, और उन उन लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे जिनकी तरफ मैं ठीक से देखा तक नहीं करता था। लोग छोड़िए साहब जी, लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अब देखिए, आज तक आपको ये करना था तो आपने ये किया, कल कुछ और करने को मन करेगा तो वो करेंगे। भाई इसमें लोगों का क्या आता जाता है, हाँ। खैर छोड़िए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्लूटो की कहानी। प्लूटो का नाम सुना है ना आपने? अरे वो हमारे सौर मंडल में जो है ना, पृथ्वी। मैं भी भोरंग दास ही हूँ। इतने सालों से आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्लूटो के बारे में तो सुना ही होगा। तो प्लूटो को पहले हम एक ग्रह की तरह माना करते थे, फिर बाद में अचानक क्या हुआ पता नहीं, वैज्ञानिकों ने उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। हाँ, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया। तो हुआ यूं कि इससे प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी सूरज का चक्कर वैसा ही काटता है जैसे पहले काटता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी नाम के एक ग्रह पे एक छोटे से बंद कमरे में चार आदमी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उसे किस श्रेणी में डाल रहे हैं, किस श्रेणी से निकाल रहे हैं। चाहे तो आप उसे ग्रह का नाम दे दीजिए या उपग्रह बुला लीजिए, चाहे तो आप उसे तुम के तो ही बुला ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से, अपने गति से, अपने रास्ते पे चला जाता है। प्लूटो की तरह बनिए साहब जी, प्लूटो की तरह। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बी लाइक प्लूटो। अच्छा चलता हूँ साहब जी, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। पापा इस बार भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तू बस घर वापस आ जा, मुझे पता है तुझे क्या अच्छा लगता है। Thank you.
उजाला लाने को है। हाँ नया सवेरा आने को है, नया उजाला लाने को है, तारों से झिलमिल